हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिनाकी चक्रवर्ती और मैं बाय प्रोफेशन एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, वर्किंग इन बंगाली फिल्म इंडस्ट्री लास्ट फ्यू इयर्स। तो मैं जब से मतलब बचपन से मुझे लगता था कि मैं एक लड़की हूँ और एक लड़के का शरीर लेके मैं आई हूँ, पर उसके बाद काफ़ी सारे मतलब पीरियड्स ऐसे गए कि मैं तरह तरह की प्रॉब्लम फेस कर चुकी हूँ। पर उसके बाद मुझे किसी ने डॉक्टर नागवानी के बारे में बताया, तो उनसे मैं मिलने आई फॉर माई सर्जरी, जो मेरा पहला पड़ाव था मेरे लाइफ के नए मोड़ के लिए। तो उसके लिए मैं आई उनसे मिलने और उनके साथ मैंने लगातार 5 से 6 मीटिंग्स की। देन जाके मैंने डिसीजन लिया कि मैं प्रिपेयर हूँ और मुझे सर्जरी करवानी है। और जब मैं उनसे मिलने आई, मुझे पहले मीटिंग में लगा ही इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन बाय नेचर और एज अ डॉक्टर। तो उसके बाद मैंने जब उनसे बात की, उन्होंने मुझे समझाया, फिर मैं घर जाके अपने मम्मी से बात की, अपनी फैमिली से बात की, उन्होंने सुनकर मुझे कहा हाँ तुम करवा सकती हो। तब मैं जाके लास्ट ईयर मार्च में मैंने 10th of March मैंने सर्जरी करवाई अपनी सिलिकॉन सर्जरी, और जो मेरे लिए सक्सेसफुल रहा। और मैं अभी आफ्टर सर्जरी बहुत खुश हूँ और मेरे दूसरे पड़ाव के लिए भी मैं तैयार हो रही हूँ धीरे धीरे। और मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं हमारी कम्युनिटी से, वो भी डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें, क्योंकि ही इज द बेस्ट। वो उनसे मिलकर आप खुद समझ जाओगे कि वो कैसे हैं, और उनका ट्रीटमेंट करने का तरीका, सर्जरी का तरीका, सब कुछ बहुत अलग है, बहुत उमदा है और अच्छा है। इसीलिए मैं बोलूँगी आप प्लीज जिनको भी सर्जरी करवानी हो, कहीं गलत संगत में मत जाओ। आप पहले एक बार आके डॉक्टर नागवानी से मिलो, मिलकर फिर डिसीजन लो, क्योंकि मैं एक ग्लैमर गर्ल से हूँ और मैं नहीं चाहूँगी कि हमारी खूबसूरती हमारे लिए सब कुछ होती है। तो मैं नहीं चाहूँगी कभी कि मेरे साथ कोई गलत हो, इसलिए मैं उनके पास आई थी। मैं भी चाहूँगी कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ट्रांस कम्युनिटी से, वो भी उनके पास आए। नॉट ओनली ट्रांस कम्युनिटी, बहुत सारी लड़कियाँ होती है जिनको बहुत सारे कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी होती है, तो वो भी आके मिले इनसे, पहले मिले, बात करें, फिर कोई डिसीजन ले। और मैं डॉक्टर साहब को बाय हार्ट थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। और आफ्टर सर्जरी आई जस्ट फील वाओ एंड लुक लाइक अ वाओ। मेरी कॉन्फिडेंस भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और मैं भी बहुत 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 हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर नागवानी, थैंक यू सो मच।